देश के प्रति जो दृष्टिकोण आज भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का और हम सब का है, कांग्रेस उसकी तुलना में कहीं खड़ी नहीं होती। कांग्रेस के लोग या विपक्ष के जितने भी लोग आज उनके गठबंधन के चंगुलों में फंस रहे हैं, वो इस देश को मात्र जमीन का टुकड़ा मानते हैं। इस जमीन के टुकड़े एक हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, उनको परवाह नहीं है। ये भारत हमारी मां है, और मां के टुकड़े करने की बात अगर कोई उसका बेटा करता है तो उस बेटे को मां का सपूत नहीं, कपूत ही कहा जाएगा मित्रों, कपूत। ऐसे ये कांग्रेस के कपूत, उनके साथी दल कहते हैं कि इस देश के अंदर दो प्रधान होने चाहिए, यानी कहते हैं जम्मू कश्मीर का अलग से प्रधानमंत्री होना चाहिए। देश की अखंडता एकता की कोई चिंता उनको है नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर 370 धारा लगा दी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये स्थायी रूप से लगी रहनी चाहिए, ये कांग्रेस का मत है। अरे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपना बलिदान दे गए, एक विधान एक प्रधान एक निशान, अब कम से कम उसकी इतनी सफलता जरूर मिल गई कि उस समय देश में माना गया कि प्रधान तो एक ही होगा। अब एक प्रधान के बाद अगला निशाना तो हमारा यह है कि विधान भी एक होना चाहिए। आज दो विधान है 370 धारा के अंतर्गत।